स्टार्ट करते हैं 4.3 इस सीरीज का पार्ट 4 और स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे क्वेश्चन नंबर पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वो आपके में आ नहीं रहा तो छोड़ दो, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सुनते हैं, बहुत इजी तरीका है। अब तक कैसे हम जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती थी हमारी ax² + bx + c = 0 उसको डिवीजन वाले से कर रहे थे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा इजी कर देगा चीजों को। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। भाई प्लस माइनस कंफ्यूज कर रहा होगा, पर अभी क्लियर करते हैं क्या होता है। जैसे कि जैसे हमारा ये a जो a होगा इसको a की जगह रखना, b को b की जगह, c को c, इसको सॉल्व करते हो और आखिरी में आपके दो आंसर आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ से हमें पता लगता है भाई a है मेरा 2, b है मेरा -7 और c है मेरा यहाँ से 3। फॉर्मूले पुट करूँ, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी है मेरा -7 तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है मेरा -7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है मेरा 2 और c कितना है मेरा 3। सब पर रूट है, नीचे हो जाएगा 2a, तो 2a में 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 4 2 8 और 8 3 24 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। क्लियर, 7 ऐसे रहेगा प्लस माइनस सेम, 49 माइनस 24 होता है 25 अपॉन में 4। ये जो अंडर रूट 25 होती है किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 5 की। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। अब ये जो प्लस माइनस लिखा है ना, अब इसका समझना, एक बार इनसो कर देंगे प्लस और एक बार कर देंगे माइनस, मतलब एक बार 7 प्लस 5 अपॉन में 4 और एक बार 7 माइनस 5 अपॉन में 4। तो 7 प्लस 5 कितना है 12 अपॉन में 4, ये कट के आ जाएगा 3 और 7 माइनस 5 मतलब 2 अपॉन में 4, ये कट के आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे 1/2 और 3 हमारे आंसर। सिंपल, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना और आपका आंसर। एक पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाला पार्ट के कह रहे हैं 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, इससे पता लग रहा है भाई a है मेरा 2, b x से आई कुछ लिखा तो इसका मतलब x क्या है, b क्या है 1 और c हो जाएगा -4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में सी माइनस अपॉन में आ जाएगा 2a, 2 में 2। कोई प्रॉब्लम, माइनस 1 का माइनस 1 ही रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, जैसे माइनस 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 4 16, 16 2 32 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 32 और 2 2 हो जाएगा 4। तो ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 33 अपॉन में 4। अब एक बार अंडर रूट 33 तो किसी का वैल्यू होती ही नहीं है, वो तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, इरेशनल बन जाएगा। तो बस एक बार इसे लिख देंगे प्लस करके माइनस 1 अंडर रूट 33 अपॉन में 4 और एक बार लिख देंगे इसे माइनस करके, बस ये हमारे क्या आ गया, एक बार लिख देंगे इसे माइनस करके, ये आ गया हमारे दो रूट्स और यही हमारे आंसर्स। आगे बढ़े थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। क्लियर, यहाँ से पता लग गया भाई a तो मेरा क्या है 4, सबसे आगे वाला ये से होता है ना ax² + bx + c = 0। यहाँ से भी क्लियर हो गया, b है मेरा 4√3 और c है मेरा 3। फॉर्मूले पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b की जगह पे क्या आएगा भाई 4√3, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 a है 4 और c है 3 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 4। ये ऐसे रहेगा माइनस 4√3, तो प्लस माइनस ऐसे। अब 4√3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 इंटू में 4√3, तो 4 4 का कितना हो जाएगा ऐसे 16 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 का कितना हो गया 48, तो 4√3 का स्क्वायर कितना होता है 48। यहाँ पे आ जाएगा 48 माइनस 4 4 16 16 3 48, यहाँ पर माइनस 48 आ गया, 2 4 का नीचे आ गया 8। ठीक है, अब देखूंगा माइनस 4√3
प्लस माइनस अंडर रूट जीरो अपॉन में, अंडर रूट जीरो की वैल्यू तो जीरो जाती है, तो मेरे पास क्या बचेगा पे माइनस फोर रूट थ्री अपॉन में, जैसे काटूंगा तो आ जाएगा वन अपॉन में टू, तो माइनस रूट थ्री अपॉन में टू, यही मेरे दोनों आंसर होंगे, एक भी ये होगा दूसरे वाला भी ये होगा, माइनस रूट थ्री अपॉन में। सिंपल फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से पता लग गया भाई ए तो है मेरा टू, मेरा बी है मेरा वन और सी है मेरा फोर। चलो वैल्यूज को देखते हैं, फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, तो माइनस बी में कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए था टू और सी भी था अपॉन में टू, तो टू इंटू में माइनस वन का माइनस वन ही रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा वन का स्क्वायर वन, फोर फोर सिक्सटीन और सिक्सटीन टू था थर्टी टू, और टू टू था क्या आ जाएगा नीचे फोर, तो ये आएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस का थर्टी वन अपॉन में फोर। अच्छा एक ध्यान से एक बात बताओ कि कभी भी कोई भी रूट रूट के अंदर माइनस का टर्म आ सकती है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव का मतलब क्या, रूट ट्वेंटी फाइव भाई फाइव इंटू में फाइव करके आया पक्का, मतलब जब भी रूट में कोई नंबर आता है तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, और आप कुछ भी कर लो, चाहे आप प्लस फाइव इंटू प्लस फाइव करो तब भी ट्वेंटी फाइव आएगा, चाहे माइनस फाइव इंटू में माइनस फाइव करो वो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कैसे आ गए, तो पक्की बात है इसके नो रियल रूट्स हैं, इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, समझा दूं क्या रियल रूट है क्या अनरियल रूट है, पर जैसे हमारा रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसकी रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं।